हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज है फोर्थ एपिसोड ऑफ ये आसाम ब्लॉग और हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं नए रूम में। कुछ इस तरीके का व्यू है यार रूम का, छोटा सा रूम है पर चीप है। और बेस्ट एडवांटेज क्या है दोस्तों कि ये रूम जो है आपका रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड में। आपको दिखाता हूँ व्यूज यहाँ से, देखेगा इसका ब्यूटीफुल वरांडा भी यहाँ पर, और वो आगे में ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर देख सकते दोस्तों। तो बेसिक एडवांटेज ही यही है कि ये रेलवे स्टेशन के पास में है। और अभी इस रूम के अंदर में हम लोग तो यहाँ पे सेटल तो हो चुके पर गाइस अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। और आज का दिन में ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत मार्केट वार्केट घूमेंगे, आप लोगों को भी लेकर चलूँगा। आसाम किस तरीके से दिखता आप लोग को देखने को मिलेगा। और अभी फर्स्ट में जाते खाना खाते और उसके बाद फिर से आपसे मिलूँगा। होटल का इंटीरियर तो आप लोग ने थोड़ा बहुत तो देख ही लिए। और होटल का नाम है, क्या नाम है, द मयूर होटल यहाँ पे जो है। तो इसी होटल में रुक रहे हैं हम गाइस यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट साइड में, पर आई थिंक ये मेन एंट्रेंस नहीं है रेलवे स्टेशन का, मेन एंट्रेंस कहीं और ही होगा रेलवे स्टेशन का जो उस तरफ में है, क्योंकि जब हम आए थे तो ये लगा नहीं था। फिर पता करेंगे तो पता चल जाएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow. Turns the sun rays and the ये जो रोड में चल रहा है इसे कहते हैं पल्टन बाज़ार रोड। और यहाँ पे आर्मी का भी सामान बहुत मिल रहा था। ठीक ऑपोजिट साइड में जो होटल है उसके उस तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारे वहाँ पे दिख रहे थे आर्मी का, जो लाइक जो उनका बैग वगैरह रहता है, ड्रेसेस रहता है, बूट्स रहता है, वो सब मिल रहा था। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का मार्केट है, आप लोग थोड़ा बहुत तो देख ही लेगा इस। तो दोस्तों लंच में है यहाँ पे न्यूट्रेला का सब्जी, पापड़, आलू, और दिस इज प्रॉन, नींबू अचार। तो खा लेता हूँ गैस और उसके बाद फिर से आपसे मिलूंगा। दोस्तों भूख बहुत जोर से लग रही है, ख़त्म करता हूँ, सट करता हूँ। खाना खा के तो हो गया। और जो होटल था वो इस तरफ के एरिया में है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रेलवे स्टेशन के पास में होने की वजह से ऐसे कोई प्रॉब्लम होने का जरूरत भी नहीं है गैस, क्योंकि फूडिंग अवेलेबल रहता है यहाँ पर। तो ठीक ठाक है, आप लोग ने तो देख लिया क्या खाया, प्रॉन्स खाया मैंने और नॉर्मल वही था राइस तो ऊपर से। तो अब क्या करने का है मुझे उतना आइडिया नहीं है, पता चलेगा तो आप लोगों को फिर से उसके बाद में दिखाऊँगा क्या क्या होता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी देखने के लिए नहीं आए तो दोस्तों कहाँ जाना, गुवाहाटी का मेन स्पेशलिटी यही है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से इतना बढ़िया दिख रहा है कि आप लोगों को क्या बताऊँ गाइस, आप लोग को दिखा देता हूँ और आप लोग खुद इंजॉय कर लीजिएगा जो व्यूज दिख रहा है यहाँ से। आपको कैसा लग रहा है ये जगह? बस नया एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है बस उतना ही, ऐसे और कोई अच्छा नहीं लगा आपको? ठीक ठाक अच्छा लग रहा है, नदी के पास हूँ, ये भी एक एक्सपीरियंस है। हेलो, हाय।
आपको कैसा लग रहा है? आप तो पहले भी आए, आप तो पहले भी आए यहाँ पर जी। हाँ, ये उमानंदा मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप जी? उधर शिव जी का मंदिर है, तो उमा का मंदिर जहाँ पे उधर उधर तो शिव जी का तो होगा ही, तो वो बहुत गण्य मान्य मंदिर। और ये पूरा आइलैंड ही है ना, मतलब नदी से नदी के पार है। हाँ, नदी से कवर किया गया है ना। मेरे आगे की तरफ में एक बोट है, जलपुर पॉइंट टूर नाम गाइस, बहुत ही टफ है प्रोनाउंस करने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट होला। तो वो बोट लेके जाते हैं आपको उमानंद में, और उसका प्राइस है 200 रुपीज़। और फिर थोड़ा सा ही साइज में यहाँ पे एक डॉल्फिन बोलकर बोट है, थोड़ा सा उस तरफ में, वो दिखेगा नहीं, और वो बोट ले जा रहे उमानंद 100 रुपीज़ में। और अगर आप यहाँ पे जो 8 AM 9 AM के आसपास में गवर्नमेंट का जो बोट्स जाते हैं, अगर उसमें जाएंगे तो सिर्फ 40 रुपीज़ है गाइस। तो मतलब प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है प्राइवेट जो बोट्स है उसमें और जो गवर्नमेंट का बोट्स है उनके अंडर में। तो एक बार देख लीजिए जो जो आपका जोलपुर पोर्ट्यून ये जो बोट है यहाँ आगे की तरफ में, उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो चलिए एक बार आप लोग को यहाँ से जो सनसेट दिख रहा है उसका एक टाइमलैप्स बना के दिखाता हूँ, और कैसा लगेगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो देख लीजिए ये टाइमलैप्स को। सनसेट का टाइमलैप्स तो देख लिए, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अब यहाँ से तो निकल जा रहे हैं गाइस, अब कहाँ जा रहे हैं आपको तो लेकर ही चलूँगा आप लोगों को पता है। और शायद ऐसा लग रहा है कि फैंसी मार्केट जा रहे हैं, एक मार्केट प्लेस है यहाँ जो आसाम का जो गुवाहाटी का मेन प्लेस में से आता है फैंसी मार्केट बोलकर, और वहाँ पर जाते देखते क्या क्या मिलेगा। अभी जो मैं बस के अंदर में हूँ, ये आपका इलेक्ट्रिक बस है गाइस, कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे ये बस का व्यू। और जस्ट फोर डेज पहले ही लॉन्च हुआ है, और कंसोल भी देख लीजिए आगे का, फुली इलेक्ट्रिक बस है। तो दोस्तों हम सोच रहे थे कि जो फैंसी मार्केट है वहाँ जाएंगे, पर प्लान में चेंजेस आ गया, जो लोग थक गए हैं। और यहीं जो आपका पलटन बाज़ार है उसी के एरिया में हम लोग ने जहाँ पे लंच किया था आसपास, उसी के आसपास में ही घूम रहे हैं गाइस, और मार्केट का एक्सप्लोर कर रहे हैं। मम्मी लोग यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस जो रहता है एक मिथिला बोल के आई थिंक, तो उसके चक्कर में यहाँ दुकान के अंदर में घुसे हैं। आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, कैस ये रहा है आमा, वो जो कपड़ा है उसका नाम क्या था? मेखला, मेघला। हमको इस दुकान से लेना है, तो दुकान का नाम है कमल क्लोथिंग स्टोर। तो यहाँ पे आएंगे ले लीजिए।